मंडल स्तरीय उद्योग बंधुओं की बैठक मंडल आयुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में सर्किट हाउस स्थित एनएक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडल आयुक्त जयंत नार्लिकर ने निर्देश दिया कि उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से किया जाए। मंडल आयुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि उद्योग बंधु का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों तथा विभिन्न विभागों के मध्य सीधा संवाद एवं समन्वय स्थापित करना तथा उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण एवं प्रदेश के अधिकाधिक उद्यमियों निवेश को आकर्षित करना है। उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण हेतु उद्योग बंधु समिति का गठन किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ODOP वित्त पोषण योजना तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना वर्ष 2020-21 की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि निर्धारित लक्ष्य समय से पूर्ण किया जाए। मंडलायुक्त ने लंबित मामलों का अतिशीघ्र निस्तारण करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। गीडा में औद्योगिक सेक्टरों में होने वाले नए कार्य एवं मेंटेनेंस के कार्यों को उद्योग की प्राथमिकता के अनुसार कराने के संबंध में CEO गीडा द्वारा बताया गया कि गीडा के विभिन्न सेक्टरों में नए कार्य एवं मेंटेनेंस के कार्यों को उद्योगों की प्राथमिकता के अनुसार कराया जाता है। बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा संजीव रंजन, संयुक्त उपायुक्त उद्योग एवं मंडल के सभी जनपदों के उपायुक्त उद्योग तथा उद्यमी बंधु मौजूद रहे। इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं और ये सब ये जो दोनों कमेटियां हैं ये जो हम लोग को जानकारी है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी के स्तर से ही बोर्ड की बात बहुत दिनों से चल रही है। जो कमेटी बनाया गया है वो जो हमारा प्रॉपर्टी का रूल था उसके हिसाब से वो रूल है जो कि बोर्ड के द्वारा अप्रूव किया गया है। हम शासन की बात नहीं कर रहे हैं, ये बोर्ड की बात कर रहे हैं। बोर्ड के द्वारा बोर्ड की बात बौद्धिक की कमेटी अप्रूव की है। तो भी देखना पड़ेगा, उनका भी सम्मान करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसकी में है। लेकिन आपको यही गीला देना हो जाए कि कहीं किसी भी चीज का ध्रुवीकरण जो है वो होता ही हो, लेकिन इन्हें ये भी देखना पड़ेगा कि इनकी बैंक कॉस इतनी निकले क्योंकि आप कह रहे सेक्टर कठिन में नारी बच जाए, आप कह रहे यहाँ पर कुछ हो जाए, यहाँ पर सबके छुट्टी उन सबके लिए कॉस्ट देखना करना पड़ता है, वो उनको ही कहा जाता है, इसलिए वो दोनों का एक बैलेंस भी होना चाहिए। बट मैं ज़्यादा लोगों के पार्टिसिपेशन में भले इनिशियली निर्णय लेने में दिक्कत होती है बट उतना ज़्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी उतना ज़्यादा अच्छा निर्णय होगा और उस निर्णय का अनुपालन आसान होगा। ही आप एक निर्णय लेके नियम में बैठ कर तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि लोग क्या था बोर्ड का निर्णय ले बोर्ड में तो सौ जाके ठीक है तो ये निर्धारित कर दीजिए ये ज़्यादा बात नहीं है कि बोर्ड में बैठे जो हमारी समस्याएँ हैं जो हम ये पूरा भी आपको उपलब्ध है आपका ये शासन का कुछ कहना है।